कैराना लोकसभा की शामली विधानसभा गांव की नगर पंचायत है बनत। यहां के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इकरा हसन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो बहुजन समाज पार्टी के श्रीपाल राणा के पक्ष में मतदान करेंगे? आइए जानते हैं नगर पंचायत बनत के मतदाताओं की क्या है राय, क्या है यहाँ का चुनावी माहौल, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पापा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण पाल सिंह है, गांव बनत। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है? हाँ जी। तो गांव में किस नजरिए से देख रहे चुनाव को? गांव में तो जो है भाजपा का जोर है। क्यों, ऐसा क्यों? एक तो चौधरी जयंत सिंह इधर आ गए और जो जाट समुदाय है वो 80% कुछ तो पहले ही था, 80% तो जा लिया उस पर आपके भाजपा पर। उसके बाद में जो और कौम बची मुसलमान को छोड़ कर, जो और 34 कौम है ये सब भाजपा के पहले से ही हैं। झिम्मर है, गडरिया और आपके खटी, आपके बनिया, ब्राह्मण, सैनी, ये सब भाजपा के पहले से ही हैं। हाँ, आप सांसद जी से मिले? सांसद से मिला कभी नहीं भाई, ना दर्शन दिए पट्टे ने, आया ही नहीं। फिर वोट क्यों? वोट तो जयंत की वजह से दे रहे भाई। हाँ अंकल जी, अन्य पार्टियां भी मैदान में? हाँ, और हो जाओ जी, हमें क्या फर्क पड़ रहा है उस बात का। हम तो चौधरी साहब के विचारधारा के आदमी है ना, चरण सिंह के। अब जहाँ में कहेंगे पहले अजीत सिंह को देते, अब चौधरी जयंत सिंह को देंगे। तो अभी तक कहा नहीं कुछ आदेश वादेश करा जयंत चौधरी जी ने? नहीं, आदेश ही है जी, जब वो भाजपा में चला गया उसका तो जाना ही आदेश है बस। चुनाव है जी, किस नजरिए से देख रहे गांव में चुनाव को? चुनाव तो ठीक ठाक होगा, शांतिपूर्ण होगा। बाकी यहाँ सभी तबके की वोट हैं, सभी पार्टियों की वोट हैं, लेकिन मेजोरिटी ज्यादातर भाजपा और समाजवादी की है। तो जैसे सांसद जी से मिले आप? सांसद जी की शक्ल नहीं देखी जिमने आज तक, ना उनका कोई काम देखा है। तो फिर वोट किस बिना पर देंगे आप? नहीं, वोट तो सांसद जी को तो वोट नहीं देगा या कोई भी, यहाँ तो भाजपा को वोट देंगे जो भी देंगे। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा ही इसी वजह है कि पार्टी से जुड़े लोग हैं भाई। ये सांसद जी जो है, पहली बात तो हमारी विधानसभा से नहीं आते, 5वीं विधानसभा जाके बैठे हुए, 34 में जा काम है। और उसके बाद इनका इधर आना जाना भी कमी रहा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो नाराजगी भी है? बिल्कुल है। अच्छा, किसान भी हैं आप? जी बिल्कुल, किसान। जयंत चौधरी जी पहुंच गए जी बीजेपी में जी, तो उनका भी कुछ होगा? हाँ, उनका फर्क तो पड़ेगा जी। एक आदमी है वो किसानों के लिए लड़ता आ रहा लगातार, एक पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, पढ़े लिखे आदमी है, तो जो गए हैं कुछ सोच समझ के गए होंगे, तो जब आगे लोगों को कहेंगे। अब तक तो लोगों में इस बात का एक अलग ही असमंजस वाली स्थिति है, लेकिन जब वो आगे लोगों को कहेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। तो अब की बार आप क्या करेंगे? हम तो जयंत चौधरी के साथ रहेंगे। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है जी, कैसे देख रहे चुनाव को? बहुत अच्छा। क्या करोगे? इकरा हसन को जिताना है। क्यों? वो अपनी है, उसके माँ बाप जो है जब से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, सांसद जी भी आपके हैं यहाँ बीजेपी से, मिले आज तक? नहीं, हम किसे मिले? आपसे मिले हमें सबसे पहले। अच्छा, चुनाव है जी, किस नजरिए से इस चुनाव को देख रहे गाँव में? बहुत अच्छे नजरिए से देख रहे जी। क्या होगा आपकी बार? अभी 400 के पार। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा ही है जी। क्या करा बीजेपी सरकार? बहुत काफी विकास हुआ। क्या विकास कर रही है? देखो, पहले तो देश के हक में कितनी बात हो रही, फिर सड़क निर्माण है काफी, गरीब जनता को राशन मिल रहा, फिर शिक्षा फ्री मिल रही है, और क्या चाहिए गरीब जनता को। अच्छा, अन्य पार्टियां भी हैं मैदान में? अन्य पार्टी तो पहले जो है, पहला गठबंधन जा रहा था, तो जयंत चौधरी भी आ गए। तो लाभ आप मिलेगा से बीजेपी को? हाँ, काफी वोट मिलेगी। तो आपका मत कहाँ है? क्या नाम है बाबू जी? अरुण कुमार। कौन से गाँव के हो? भनक का ही हूँ। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है? हाँ जी। तो कैसे देख रहे चुनाव? लोकसभा का तो चुनाव ठीक है। क्या करोगे? और देने तो भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? हम इससे अच्छे हैं। अन्य पार्टियां भी हैं? अन्य की बात नहीं है। क्या बात नहीं है? बात नहीं है थी। क्या करा? जो योजना इसमें हम लाभ मिला उसमें और मन नहीं है। क्या नाम है आपका? अथर खान। अथर खान जी कहाँ के रहने वाले हैं? कस्बा बनत। अच्छा, रोजे से हैं आप जी? झूठ नहीं बोलेंगे बिल्कुल जी जी। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है जी, किस नजरिए से गांव में चुनाव को देख रहे हैं आप? मन नजरिया तो बस नजरिया तो कुछ नहीं है जी, बस इकरा सा नहीं है अपनी।
कुछ कार्यवाही कुछ क्यों इकरासन क्यों नहीं और भी अन्य पार्टियां हैं? और पार्टी कोई अच्छी नहीं लगी जी। क्यों ऐसा क्यों क्या हुआ? प्रदीप चौधरी तो दिखे ही नहीं इधर को। अच्छा, और बस वो बोलता चेहरा है, पढ़ी लिखी है, इकरासन है जी। तो नाराज के सांसद जी से है कि जी जी बिल्कुल है जी। तो परिवर्तन करोगे? बिल्कुल होना चाहिए, होना भी चाहिए, करेंगे नहीं होना भी चाहिए परिवर्तन। अच्छा, मोदी जी ने तो विकास कार्य करवाए हैं जी, कराए बहुत कराए, अच्छे कराए, कुछ काम गलत भी कराए। अच्छा। जी अच्छे भी है बुरे भी है, हर तरीके का काम है। क्या होगा आपके? होना चाहिए जी, होगा नहीं होना चाहिए परिवर्तन होना चाहिए। विमान कस्बा बना था। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है जी, किस नजर से देख रहे हैं चुनाव को? बहुत अच्छी नजर से देख रहे हैं। क्या होगा इस बार? होता क्या भाई, सुरक्षा है, सुरक्षा है सबसे बड़ी बात, लाइट है, पानी है, और जो है महंगाई का है थोड़ा सा मुद्दा, शायद आने वाले समय में ये भी कंट्रोल कर ले बीजेपी। अच्छा, सांसद जी आपके 5 साल हो चुके हैं प्रदीप चौधरी जी। जी जी जी, क्या मिले आज तक आप उनसे? हाँ मिले। कोई विकास कार्य हुए? विकास कार्य भी है। क्या कार्य हुए? यही से सड़क निर्माण है, जैसा ऊपर से ये घर घर नल की योजना आई थी, इसमें भी उनका योगदान रहा है, हर गली में हर घर में नल देना, तो ये एक नहीं बात है। अन्य पार्टियां भी हैं, जैसे हसन परिवार की बेटी इकरासन भी जी जी दावेदार है, डीएसपी से भी है जी जी जी। तो कुछ भाई इसमें तो हमने पहले घुस के देख लिए, पहले भी इनके शासन में सत्ता में रहे, हमें कोई वो नहीं हुआ, सिर्फ गुंडागर्दी के सिवा हमें उस समय में कुछ नहीं मिला। सरकार में गुंडागर्दी नहीं है? गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है, सुरक्षा है, बहुत अच्छी सुरक्षा है, बस थोड़ा महंगाई है, वो भी धीरे धीरे अब आने वाले समय में कुछ कंट्रोल हो जाएगी, ऐसी बात कुछ नहीं है। क्या नाम है जी आपका? अरुण कुमार नाम है मेरा। कौन सा गाँव है आपका? ये बनत गाँव है। लोकसभा का चुनाव है तो किसने जी इसे देख रहे चुनाव? ये भी हमको भाजपा के वोटर है। क्या करा बीजेपी ने? वोटर है, हमने रिटायर्ड कर्मचारी है जी। तो कोई जैसे आप बीजेपी को? किसी ना किसी पार्टी को तो हम पकड़ेंगे, सभी ऐसी यहाँ तो यह पार्टी सही है। अब कुछ तो सही है जी, अपनी सुमार में हमें सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा मिल रही, बाकी पैसा पेंशन से मिल ही रहा, तो चल रहा था, बाकी छोटा भाई है वो, ये जैसा ये कहेंगे उनके साथ चल देते हम तो अच्छा है। ऐसा करोगे क्या जी? करोगे क्या? हम तो वोट नहीं देते तो जाएंगे ऐसा तो। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम आदेश कुमार नामदेव। कौन से गांव के हो? विलेज पोस्ट बनत, डिस्ट्रिक्ट शामली। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है। अच्छा जी, तो कैसा देख रहे चुनाव कुछ है? वो बढ़िया हो जाए, सुख शांति तो हो जाए, यही चाहे, और कोई खाने को तो देता नहीं, वोट देनी जरूरी है, वोट देंगे वो तो अपनी मर्जी के ऊपर है, किसे भाजपा को देंगे। अच्छा, भाजपा को क्यों, और किसी पार्टी अन्य पार्टी भी है? हमने कभी दी नहीं। काम वाम करे भाजपा ने? भाजपा सारे काम कर रही, बढ़िया गुंडागर्दी खत्म कर रखा, और क्या सुख शांति चाह भाई। अन्य पार्टियां भी हैं? अन्य पार्टी अपनी जगह बनी रहो, हमें भाजपा से उतारी, भाजपा के ही है। तो योजना का लाभ लिया आपने? हमें तो कोई भी एक आयुष्मान तो बन रहा, हमारा तो मकान भी नहीं बने। अच्छा, सांसद जी से मिले 5 साल में अपने? बनत में भी नहीं आके घुसा, आज लोग का भी नहीं आया, फिर और फिर वोट से ही देंगे। अच्छा, तो नाराजगी भी है? और नाराजगी भी नहीं है, या आपने तो कहा मिले नहीं 5 सालों में, आए भी नहीं गांव में, किसी से पूछ लो। नाराजगी तो है? हाँ, ये नाराजगी है। तो इस नाराजगी को कैसे दूर करोगे भाई? इससे तो मिल गई दूर होगी, आगे तो भाई वोट तो हम देंगे, बाकी ऐसी हरकत ना करे, जीवन है तो ना, किसी के एक्सीडेंट हो गया, मर गया, कभी नहीं आया, फिर भी हम उसके फैन है, हमारा हो ना हो। थैंक यू। किसके हो फैन? बीजेपी के। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विक्रांत बर्मन है। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले? बनत। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है जी, तो कैसा देख रहे चुनाव को? देखिए, पहले अगर चुनाव में जो था, अगर ओबीसी समाज की अगर बात करें, तो जो प्रदीप सांसद थे भाजपा के, तो उनका कम क्षेत्र में आना, तो कुछ समाज के बीच में, जैसे वो भी समाज है, जाट भी है, और क्या करे इधर कश्यप पाल बघेल सैनी वगैरह ये लोग हैं, इनके अंदर एक बात ये थी कि भाई जो हमारा प्रत्याशी था जो जीत के गया और वो हमारे बीच नहीं आ पाया, एक एक खिंता थी, तो ये चुनाव जो ये लोग थे इकरा के पक्ष में जाने का काम कर सोच रहे थे, लेकिन जब बीएसपी का कैंडिडेट बीच में आ गया, वो ठाकुर है,
ठाकुर जो बेल्ट है वो पहले ही यानी कि प्रदीप के खिलाफ है। तो अब ओबीसी जो वर्ग है मुस्लिम को छोड़कर, वो ये निर्णय तय करेगा कि भाई लोकसभा चुनाव इकरार सर के पक्ष में जाएगा या बीएसपी के पक्ष में जाएगा। आपका क्या मत करता है आपके? मेरा मत तो बीएसपी के पक्ष में है। अगर मुस्लिम थोड़ा बहुत समझदार हुआ, अगर ये सीट बीजेपी के खिलाफ करनी, तो बीएसपी को वोट करने का काम करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत चौहान है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बेसिकली बनस से बिलोंग करता हूँ, मोहल्ला आजाद नगर कस्बा बनस जनपद शामली, और रिहाइश मेरी गुड़गांव में भी है, मैं इंजीनियर हूँ। सर लोकसभा का चुनाव है तो आप किस नजरिए से गांव में चुनाव को देख रहे हैं? लोकसभा का चुनाव जैसे 2019 में एक अच्छी बढ़त महसूस किया था भाजपा ने, और अब की बार तो डेफिनेटली हर आदमी के मुंह से एक ही बात निकल रही है कि अब की बार 400 पार है। क्योंकि मैंने यहाँ पे काफी लोगों से चर्चा करता हूँ इस बारे में, तो मुझे पता चला है कि एक तो खास तौर से क्राइम कितना कंट्रोल हुआ है, और अगर मैं देखूं टोटल जो भी यहाँ पे विकास हो रहा है खास तौर से सड़कों के बारे में, यहाँ से गुड़गांव पहुंचने के लिए 5-6 घंटे लगते थे, आज 2.25 घंटे में हम लोग वहां पहुंच जाते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत से प्रोत्साहन आ रहे हैं जो बिजली से संबंधित सोलर का है और है, एजुकेशन से संबंधित है, बहुत ही प्रोत्साहन माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए हैं, और एक अपने आप में एक मिसाल है। और आज जो वर्ल्ड के अंदर नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, और वहां पर हमारी रेटिंग और जो हमारी वैल्यू है वो बहुत ऊपर है। सांसद हैं आपके, 5 साल हो चुके हैं, क्या मिले आप? मैं मिला हूं प्रदीप जी से, लेकिन एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि कोई भी प्रतिनिधि होता है जो चुना जाता है उसको जनता के बीच में जाना चाहिए, और इस बारे में जब तक हम नहीं जाएंगे हमें समस्याओं का, हमें विकास का पता नहीं चलेगा। तो लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं कि आना प्रदीप जी 5 सालों में गांव में नहीं घूमे। देखिए कई बार ऐसी चीजें होती हैं जहां अपने ऑफिस बैठकर भी वो चीजें रिजोल्व हो जाती हैं, लेकिन इतना बड़ा इश्यू नहीं है। अगर कहीं कोई ऐसी मिस्टेक हुई तो डेफिनेटली हम भविष्य में उसको भी हम लोग ठीक करेंगे, और उनको करना चाहिए। अन्य पार्टियां भी हैं? अन्य पार्टी का तो मैं अभी ऐसा रुझान नहीं देख पा रहा हूँ, जो आज की डेट में लहर है वो तो भारतीय जनता पार्टी की है। क्या नाम है जी आपका? प्रमोद कुमार। अच्छा कौन से गांव के हो? यही बनता ही हूँ जी। अच्छा लोकसभा का चुनाव है? हाँ जी। तो कैसे देख रहे चुनाव को? नहीं चुनाव तो देख रहे ठीक, चुनाव में रुचि नहीं हमारी, कोई समस्या है सभी की है, उसमें ये खाने पीने की वस्तु महंगी है ज्यादा, उनके रेट से क्योंकि जीवन रक्षक वस्तुएं हैं, ये दाड़े हुई सब्जी हुई है, महंगाई है, महंगाई की मार है सरकार में। हाँ महंगाई की मार है। तो क्या करोगे? ये करते क्या जी, हम क्या कर सके, सरकार कर सके, करनी चाहिए सरकार। आप क्या करोगे, वोट देंगे क्या करोगे उसके? मैं जी वोट की तो बारे में जिस दिन देने जाऊंगा सोचेंगे। अच्छा सांसद जी भी है, मिले हो 5 साल में? नहीं जी। विक्रासन जी से मिले हैं? विक्रासन जी से नहीं, हम तो जानते भी कौन है, हम तो मेरे काम में कर रहे हैं, हमें समस्या होता है। समस्या कैसा लोगे आपकी? नहीं मेरी थोड़ा ये गले की है, गरीब आदमी की है, जो भी जो 500-400 रुपए कमा रहा है वो कैसे खरीदे सामान, लोग दूध भी महंगा है। बीजेपी भी करा कई साल, तो बीजेपी भी करते आ रहे भी। में का कुछ सही हो जाएगी, महंगाई इतनी बढ़ने की इनका क्या पता था, आज कम बढ़ जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीमुद्दीन है, जी सलीमुद्दीन। कौन से गांव के रहने वाले? बनत के। अच्छा लोकसभा का चुनाव है जी, तो गांव में किस वजह से देख रहे चुनाव? गांव में तो विकास तो हो ही रहा, कुछ भी थोड़ा बहुत जितना भी हो रहा। किसने करवाया विकास? भाई बीजेपी के कर रहा, गुंडागर्दी खत्म हो रही है, इससे बढ़िया और क्या चाहिए आदमी। अन्य पार्टियां भी हैं मैदान में? वो तो सब आते हैं। तो अब की बार क्या करेंगे? बीजेपी को वोट जाएंगे। हसन परिवार की बेटी भी इकरासन मैदान में है? अभी तो आई कर रहा है, बाकी बीजेपी ने अच्छा काम कर रखा है, उसे वोट जाएंगे। ऐसा क्या काम कर दिया? गुंडागर्दी खत्म कर दी, और के इससे बढ़िया और क्या चाहिए आदमी को। अच्छा गुंडागर्दी इसमें से वोट देंगे आप? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गुलाब सिंह है। गुलाब सिंह जी गाँव के रहने वाले? ये कस्बा गलत के रहने वाले हैं। अच्छा लोकसभा का चुनाव है? हाँ है। तो क्या देख रहे? क्या देख रहे? अच्छा चुनाव है, ठीक है। क्या होगा? क्या होगा? जीत भाजपा की होगी। क्यों? क्योंकि भाजपा ने अच्छे काम करे। क्या काम कर दिया? आजकल अयोध्या का मामला है वो किसी से नहीं रहा, इतनी सरकार जाली और इस सरकार ने आगे ये काम करा। अन्य पार्टियों ने कुछ नहीं करा? अन्य पार्टियों ने कहाँ करा, अन्य पार्टी नहीं रही,
क्या करा उन्होंने अयोध्या मामले में, कुछ भी नहीं करा, तो आई हमने करा। अच्छा, हसन परिवार की बेटी भी है मैदान में? हसन परिवार की बेटी है। अच्छा देखो, जो अब की बारी तो आई हुआ, अब की बार जो उसे मिलेगा, जो अच्छा काम करेगा वो अब के नहीं होता, दोबारे में हो जाएगा। सांसद जी से मिले अपने? नहीं, मैं नहीं मिला। 5 सालों में नहीं कोई विकास कार्य हुआ गाँव में? ये विकास कार्य तो चलता ही रहे, खैर होया करा। इन्हें जो भाजपा की सरकार है, इन्होंने बहुत काम करे, अच्छे काम करे। तो चेहरा क्या देख रहे हैं आप? चेहरा ये देख रहे हैं हम तो भाजपा को वोट देंगे। भाजपा में कोई चेहरा तो होगा? हाँ सर है, मेरे रहे क्या है जो भी इन लोग पता नहीं कौन होगा। मैं मुझे ये नहीं पता कि कौन है भाजपा से, यहाँ से कौन उठा अभी कौन। अच्छा मोदी, क्या नाम है जी आपका? एहसान अली। कौन से गाँव के रहने वाले हैं? बनत के जी। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है जी, किस नजरिए से देख रहे चुनाव में गाँव? बस ठीक ठाक होगा जी, बढ़िया। क्या करोगे इस बार? इकरे हसन को देंगे जी वोट। क्या करवाया? करवाओ कुछ ना, बढ़िया है, बेचारी मिलनसार है, गांव में आती है बार बार। सांसद जी से मिले अपने? सांसद जी तो कभी आए ही नहीं। 5 साल में कोई विकास कार्य हुआ? नहीं कुछ नहीं आया यार, लेकिन हमसे गलबिन देख के बेचारे की तो नाराजगी है। हाँ उसे नाराजगी है, इसी ग्रह को देंगे या कोई और उठता उसे देते उसे देने के। क्या नाम है जी आपका? विनोद कुमार। अच्छा कौन से गांव के हो? बनत, कस्बा बनत, जिला शामली। अच्छा लोकसभा का चुनाव है? हाँ जी। तो क्या करना आप? क्या हमें भाजपा की तरफ जाना और जैन चौधरी की सर, जैन चौधरी की वजह से ही ये चुनाव है यहाँ पर। जैन चौधरी भाजपा में चले गए तो यहाँ की जो थी सारी पब्लिसिटी अब जैन के पीछे है। अच्छा हसन परिवार की बेटी भी इकरा मैदान में है? हाँ, वो हिंदू मुस्लिम पे है, जो मुसलमानों की वोट है वो उसे मिलेंगी। सांसद जी से मिले अपने? नहीं। तो कार्य वार्य करवाए उन्होंने गाँव में? नहीं, यहाँ कोई कार्य नहीं उसका इतना। वोट तो जैन चौधरी को मिल रही, जैन तो यहाँ से जा रहे और सड़के तो मोदी सरकार के थ्रू निकली है, लेकिन हमने तो प्रदीप को तो देखा नहीं, लेकिन यहाँ जो प्रभाव है सब जैन चौधरी का है और जैन चौधरी के और मोदी की वजह से ही यह सीट जीत कर जाएगी। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।